बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम सैलरी का जो हमारे पास लास्ट एरिया रहेगा तो सैलरी टैक्स ऑन टैक्स वो हम कवर करने जा रहे हैं, और इधर इसको कवर करने के बाद हमारा सैलरी का जो हेड है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ तो कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज़ का कि टैक्स ऑब्लिगेशन किस पर है? एम्प्लॉय पर। पे कौन करता है? एम्प्लॉयर। किसकी इंस्ट्रक्शन पर? एम्प्लॉय की। और जो अमाउंट एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉय की इंस्ट्रक्शन पर, वो उसकी सैलरी से विदहोल्ड कर लेता है, माइनस कर लेता है। तो इसलिए टैक्स बेयर भी किसने किया? एम्प्लॉय ने। लेकिन ऑब्वियसली हमने रिसिट की डेफिनेशन पढ़ी थी, और जरा हम उस रिसिट की डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं, जरा रिकॉल करते हैं और कॉन्सेप्ट क्या बनता है जरा देखते हैं। हम एक काम करते हैं, हम एक सैलरी अज्यूम करते हैं। आप सब लोग जरा मुझे उस पर टैक्स वर्कआउट करके बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए इनकम फ्रॉम सैलरी, ए की जो टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी बनती है वो बनती है 2,800,000। क्या आप सब लोग मुझे 2,800,000 पर टैक्स वर्कआउट करके दे सकते हैं बेटा by applying salaried case? जवाब दीजिए सब लोग, बताइए इसकी लोअर लिमिट क्या है? टैक्स ऑन रुपीस, टैक्स ऑन रुपीस टू मिलियन फाइव हंड्रेड थाउजेंड, ठीक है। कितना? 195,000। ओके जी, उसके बाद टैक्स ऑन रुपीस एक्सेस कितना है? 3,00,000 रुपए। इसका कितना कितना परसेंट? एट 17.5%। कितना कितना बनेगा? 52,500। टोटल टैक्स कितना बना? 247,500। अच्छा जी, अब जरा आते हैं डेफिनेशन किसकी? रिसिट की। एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी कितनी है? टू मिलियन एट हंड्रेड थाउजेंड है कि नहीं है? इस सैलरी के कितने हिस्से हैं? दो हिस्से। और दो हिस्से कितने हैं जरा देखिएगा। Applied on behalf of employee, कितना employee के behalf पे apply किया? 247,500। Yes or no? जवाब दें बेटा। रिसिट की डेफिनेशन याद है ना? भूले तो नहीं है ना? रिसिट का वाला कॉन्सेप्ट हम समझ चुके थे ना सैलरी के चैप्टर के स्टार्ट में।
तो अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय कितना है? 247,500 जवाब देंगे। तो फिर सवाल ये कि एक्चुअली रिसीव बाय एम्प्लॉय कितना हुआ? वो सैलरी जो एम्प्लॉय की जेब में टैक्स कटने के बाद नेट आई है वो कितनी? टू फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड। हम क्या बोलेंगे? वॉट इज रिसिट एक्चुअली रिसीव बाय एम्प्लॉय अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, इन दोनों का सम क्या हो गया? ये ग्रॉस अमाउंट हुआ। बताइए हमने टैक्स जो है वो 2,552,500 पे वर्कआउट किया या 28 लाख पे वर्कआउट किया? 2,800,000 पे वर्कआउट किया। किस पे वर्कआउट किया? क्योंकि टैक्स वर्कआउट किस पे होता है? ग्रॉस सैलरी पर होता है। और फिर उसी ग्रॉस सैलरी पर टैक्स वर्कआउट होने के बाद उसी में उसी ग्रॉस सैलरी से टैक्स कट जाता है, यस और नो बताइए? उसी ग्रॉस सैलरी पर टैक्स वर्कआउट होने के बाद टैक्स उसी सैलरी से माइनस हो जाता है। तो जब हम एक्चुअली रिसीव बाय एम्प्लॉय और अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय का सम करेंगे तो वो सम हमारी ग्रॉस सैलरी के बराबर शाम होगा, होगा कि नहीं होगा? आप सब जवाब दें। यहां तक की गुफ्तगू समझ में आती है आप सबको? अच्छा, अब फर्ज करें भाई एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी साल भर की तय हुई है 28 लाख रुपए, जब उसको मिलते हैं 25,52,500 रुपए, वो तो बोल जाता है नहीं भाई आपने तो मुझसे 28 लाख रुपए तय किए थे, मेरी जेब में 28 लाख रुपए आने चाहिए, ये टैक्स वैक्स मैं नहीं जानता। हो सकते हैं भाई ऐसे एम्प्लॉयज, इस लेवल के एम्प्लॉय हो सकते हैं, दिमागी तौर पर थोड़ा स्ट्रांग होते हैं, उनको बात समझ नहीं आती। दुनिया में ऐसे लोग हो सकते हैं कि कुछ लोगों को बात समझाना क्या होता है मुश्किल होता है, तो कुछ लोग तो आपसे बहस कर सकते हैं। क्या ख्याल है कि भाई सैलरी जब 28 लाख रुपए तय हुई है तो 28 लाख ही मिलनी चाहिए ना, ये क्या कहानी लगा दी आपने कि टैक्स कटेगा? ये पहले तो नहीं बताया था आपने टैक्स कटेगा? हम तो नहीं जानते टैक्स वैक्स क्या होता है भाई, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या कहते हैं बेटा बताइए? उसको तो बातें समझ नहीं आ रही कि भैया आप क्या बोल रहे हो। तो फिर इस केस में क्या हो सकता है? इस केस में एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन की तरह देखिएगा। अब नहीं पढ़ा सकते ना हर किसी को, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नहीं पढ़ा सकते बेटा, नहीं पढ़ा सकते, ये तो समझाना चाह रहा हूं मैं। अब इस केस में जरा आप सोचिएगा कि ठीक है जी, इसके अंदर आप सोचिएगा कि अगर मैं बोलता हूं एक्चुअली रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय अब एम्प्लॉय कहता है नहीं भाई मुझे मेरे पूरे कितने चाहिए? 25 लाख रुपए चाहिए मुझे पूरे अपने 28 लाख रुपए चाहिए। तो फिर इस केस में जब एम्प्लॉय से बहस हो गई, सारी बातें समझा दी गई उसको, लेकिन उसको कोई एक बात भी समझ नहीं आई, तो आपने उसको उसके 28 लाख पूरे पे कर दिए, आपने बोला यार ये लो भाई तुम पूरे 28 लाख रुपए। और आपने क्या किया, जो उसकी सैलरी पे टैक्स बनता था 247,500
वो अपनी जेब से पे कर दिया। अच्छा ये टैक्स किसकी ऑब्लिगेशन थी, एम्प्लॉयर की थी एम्प्लॉय की थी तो ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय की ना, लेकिन अब ये ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से पे कर दी, कंपनी ने अपनी जेब से पे कर दी। तो जरा बताइए कि 28 लाख तो कंप्लीट किसकी जेब में आ गए, एम्प्लॉय की जेब में, और उसके अलावा उससे अबव जो उसकी ऑब्लिगेशन थी जो उसकी सैलरी से कटनी थी लेकिन वो माइनस नहीं हुई, वो अपनी जेब से किसने पे कर दी, एम्प्लॉयर ने। तो अब ये जो टैक्स एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पर खुद पे कर दिया बगैर उसकी सैलरी से डिडक्ट किए, ये अलग से एक परक्विजिट नहीं बन गया, तो फिर इसको अलग से सैलरी का पार्ट नहीं होना चाहिए लॉ के हिसाब से, क्या ख्याल है? तो जरा बताइए कि अगर एक्चुअली रिसीव बाय एम्प्लॉय 28 लाख रुपए है और अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय 2,47,500 रुपए है, तो फिर ग्रॉस सैलरी कितनी बननी चाहिए, जरा सोच के बताइएगा। 3,047,500। तो ऑब्लिगेशन थी एम्प्लॉय की, पे कर दी किसने, एम्प्लॉयर ने, लेकिन उसकी सैलरी से माइनस नहीं की, अपनी जेब से पे कर दी। तो जब एम्प्लॉय का टैक्स एम्प्लॉयर खुद अपनी जेब से पे कर दे तो फिर वो टैक्स अलग से परक्विजिट बन जाएगा और उसको अलग से सैलरी में ऐड करना पड़ेगा। तो अब इस सिचुएशन में आपको जो ग्रॉस सैलरी पे टैक्स वर्कआउट करना है वो 28 लाख पे वर्कआउट नहीं करना जनाब, वो टैक्स को बतौर परक्विजिट ऐड करके करना है वर्कआउट करना है। क्या ख्याल है, बोलिए। सबसे पूछ रहा हूं भाई, एक एक बंदा जवाब देता मुझे कि उसको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, समझे बात या नहीं? ठीक है नाउ, अब मैं आगे बढ़ता हूं इसको लेके। जरा देखिए, अब हम इस सिचुएशन को दोबारा रिकॉल करते हैं, हम इस सिचुएशन को दोबारा समझते हैं एक और तरीके से। मैं दोबारा से सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करने जा रहा हूं। मिस्टर ए इनकम फ्रॉम सैलरी अट्ठाईस लाख रुपए थी उसकी ग्रॉस सैलरी, उसकी ग्रॉस सैलरी पे टैक्स वर्कआउट करते हैं, टैक्स ऑन रुपीज 2,500,000, ठीक है, टैक्स ऑन रुपीज 2,500,000, एक काम ही बताइए, हमारे पास सबसे लोएस्ट लेबर रेट कौन सा है, जरा लोएस्ट लेबर रेट बताइएगा मुझे सब लोग, लोएस्ट लेबर रेट कौन सा है हमारे पास। हम इस एग्जांपल को थोड़ा चेंज करते हैं ना, हम इस एग्जांपल को थोड़ा चेंज करते हैं, लोएस्ट लेबर रेट कौन सा है हमारे पास, 6 लाख से 6 से 12 लाख वाला ना। अच्छा, और 6 लाख से 12 लाख के दरमियान जो इनकम है उस पर टैक्स रेट कितना है, 5% है ना, ओके 5%। तो मैं एग्जाम्पल थोड़े से मैं काम करता हूँ, मैं इस एग्जाम्पल को दोबारा रिपीट करता हूँ लोअर स्लेब रेट से, ठीक है, मैं इस एग्जाम्पल को दोबारा रिपीट करता हूँ लोअर इनकम लेवल पर, ताकि कुछ कैलकुलेशन हमारी जल्दी परफॉर्म हो जाए, वरना कुछ कैलकुलेशन हमारी परफॉर्म होने में क्या लेंगे बेटा, टाइम लेंगे। सही है, बोलिए आप सब लोग, ठीक है ना, ओके। अच्छा जी, तो एक काम ये करता हूं
कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा फर्क करता हूँ, और ये फर्क क्या कर देता हूँ, मैं इस सैलरी को 8 लाख रुपए नहीं बल्कि, सॉरी 28 लाख रुपए नहीं बल्कि 8 लाख रुपए देता हूँ। इससे फायदा क्या होगा, हम लोअर इनकम रेट में देंगे, सही है ना? ठीक है जी, मैंने इसको 8 लाख कर दिया। तो अब हम एक काम करते हैं, हम 8 लाख पे टैक्स वर्कआउट करते हैं। तो हम बोलेंगे टैक्स ऑन रुपीज 600,000 क्या हो गया बेटा, नेल हो गया, यस और नो बोलिए। टैक्स ऑन रुपीज 200,000 एट 5%, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी हमारी आसानी हो जाए, कितनी 10,000 रुपए, सही है जी? ओके, टोटल कितना हो गया, 10,000। अभी अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो एम्प्लॉय की जेब में कितना गया, 7,90,000, यस और नो? और उसके बिहाफ पर अप्लाई कितना हुआ, उसकी खुद की सैलरी से डिडक्ट होने के बाद 10,000। तो 7,90,000 एक्चुअली रिसीव बाय एम्प्लॉय, 10,000 अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, टोटल ग्रॉस अमाउंट कितना हो गया, 8 लाख ही हो गया। लेकिन अगर ये एम्प्लॉय वही वाला मामला करता है कि नहीं भाई, आपने तो मुझसे 8 लाख रुपए तय किए थे और मुझे 8 लाख ही मिलने चाहिए, तो फिर होगा ये कि एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉय को तो उसके पूरे 8 लाख दे देगा, वो बोलेगा 10,000 रुपए तो है, क्या करता हूँ, 10,000 मैं अपनी जेब से पे कर देता हूँ। तो जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टैक्स खुद अपनी जेब से पे कर देगा, तो फिर ये 10,000 रुपए एडिशनल परक्विजिट बन जाएंगे, तो फिर उसकी ग्रॉस सैलरी 8 लाख रुपए नहीं कहलाएगी बल्कि 8,10,000 रुपए कहलाएगी। क्या ये बात सबको समझ में आती है? तो इसका मतलब क्या है, टैक्स है ऑब्लिगेशन किसकी, एम्प्लॉय की, पे किसने करनी है, एम्प्लॉय ने करनी है, और अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो एम्प्लॉय की सैलरी से माइनस करके करता है। लेकिन अगर इसका बर्डन एम्प्लॉयर खुद बेयर कर ले, तो फिर ये एडिशनल परक्विजिट बन जाएगा, और वो परक्विजिट सैलरी में क्या होगा, अलग से ऐड होगा, तो फिर आपकी ग्रॉस सैलरी 8,10,000 रुपए कहलाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी अगर ये टैक्स का बर्डन कौन बेयर कर रहा है, एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है, तो फिर ये परक्विजिट है, इसको अलग से सैलरी में ऐड करें। तो इसका मतलब ये है कि हमें दोबारा से मिस्टर ए की सैलरी पे टैक्स वर्कआउट करना है, ठीक है जी? इनकम फ्रॉम सैलरी 8 लाख एड 10,000 टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, कितने से, 10,000 से। टोटल सैलरी कितनी आ गई आपकी, 8,10,000। अब प्रॉब्लम क्या आता है, अब देखिए पूरी गुफ्तगू सुनने वाली है और टेक्निकल है। अब हम क्या करते हैं, हम 8 लाख में 10,000 ऐड करके टैक्स वर्कआउट करते हैं, कि 10,000 भी परक्विजिट बन गया, बेनिफिट बन गया, मतलब 10,000 क्या है, टैक्स है, और टैक्स जब परक्विजिट बन गया तो फिर टैक्स पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपने कहा टैक्स ऑन रुपीज 600,000, क्या आंसर आया, निल, जवाब दें। फिर आपने कहा टैक्स ऑन रुपीज 210,000 एट व्हाट, 5%, क्या आंसर आया आपके पास, 10,500।
अब आप मुझे बताइए 8 लाख पे टैक्स कितना था, 10,000 रुपए, तो अब आपकी टैक्स लायबिलिटी में 500 का इजाफा हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ? जवाब दें, 500 का इजाफा हुआ है। ये 500, 10,000, जो 10,000 का टैक्स आपकी सैलरी में बतौर परक्विजिट ऐड हुआ है, ये उसका 5% है, 10,000 का 5%, 10,000 का 5%, 500। इसका मतलब क्या हुआ, टैक्स पे क्या लग गया, टैक्स लगा। जब टैक्स आपने खुद से बेयर नहीं किया और टैक्स भी आपका आपके एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, तो वो आपके लिए परक्विजिट बना, और परक्विजिट बन के जब वो आपकी सैलरी में ऐड हुआ तो उस टैक्स पे भी क्या लगा, टैक्स लगा, यस और नो? तो 500 रुपए क्या है, टैक्स ऑन टैक्स, 10,000 रुपए टैक्स है सैलरी पर, और 500 रुपए टैक्स है उस 10,000 पर जो आपने बेयर नहीं किए बल्कि आपके एम्प्लॉयर ने बेयर किए। अच्छा जी, यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर सबको, सब बताइए क्लियरली बेटा। अच्छा जी, ओके, यहां तक बात क्लियर। अब ये 500 रुपए से क्या हो गया, अब ये 10,000 टैक्स उसने बेयर कर दिया, 500 रुपए से आपकी टैक्स लायबिलिटी और बढ़ गई। अब एम्प्लॉयर कहता है काम करो यार, 500 रुपए तो अपनी जेब से पे कर दो, क्या मैं तुम्हारी सैलरी में से 500 रुपए तो काट लूं? उसने बोला खबरदार, 1 रुपया भी काटा तो सैलरी पे टैक्स लगा, वो एम्प्लॉयर ने बेयर किया, और जब वो टैक्स परक्विजिट बन के सैलरी का पार्ट बना तो फिर टैक्स पे टैक्स लगा, वो भी एम्प्लॉय पे करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर ये 500 रुपए जो इजाफी टैक्स आ रहा है वो भी अगर एम्प्लॉय अपनी सैलरी से माइनस करवाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या, ये 500 रुपए भी क्या बन गए बेटा, परक्विजिट बन गए, ये 500 भी परक्विजिट बन गए, इसको भी सैलरी में ऐड कर दो। कुछ समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब जब तक एम्प्लॉई अपना टैक्स डिडक्ट करवाने के लिए तैयार नहीं होगा और उसका सारा टैक्स कौन पे कर रहा होगा, एम्प्लॉयर, तो वो टैक्स सैलरी में ऐड होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक और वर्किंग के लिए तैयार हो जाओ। अब वो एक और वर्किंग क्या है, अब जरा हम एक और वर्क ही करते हैं। मतलब ये राउंड वन था, फिर राउंड टू, अब राउंड थ्री पे आ रहे हैं हम लोग। राउंड थ्री मतलब राउंड वन टैक्स वर्कआउट किया, राउंड टू टैक्स ऑन टैक्स वर्कआउट किया, अब राउंड थ्री में टैक्स ऑन टैक्स ऑन टैक्स वर्कआउट करने जा रहे हैं। यानी 10,500 को अब सैलरी में ऐड करेंगे तो फिर ना सिर्फ 10,000 पे टैक्स लगेगा बल्कि 500 रुपए पर भी मजीद टैक्स लग जाएगा। जरा चेक कीजिएगा, इसको मैं राउंड थ्री बोल रहा हूं। मिस्टर ए, इनकम फ्रॉम सैलरी 8 लाख, ऐड किया टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर कितना, 10,500। अब 8 लाख प्लस 10,500 आंसर क्या बन गया, 810,500। यह देखिए आपकी टोटल सैलरी, इस पर टैक्स वर्कआउट कीजिए, टैक्स ऑन रुपीज 600,000, क्या होगा, निल हो जाएगा, और टैक्स ऑन रुपीज, जवाब दीजिए, टैक्स ऑन रुपीज 2,10,500 का कितना,
5% कितना बना? 10,525। अब हिसाब लगाओ, 10,525 क्या है? 8 लाख पे बनने वाला टैक्स 10,000 है। जब वो 10,000 पर क्विटेड बना तो 10,000 पे बनने वाला टैक्स 500 है। जब वो 500 पर क्विटेड बना तो 500 पे बनने वाला टैक्स 25 है। यस है क्या नहीं बताइए? 500 का 5% निकाल के चेक कर लीजिए, 500 का 5% निकाल के चेक कर लीजिए, जवाब दीजिए। अब उसको बोल रहे हैं एम्प्लॉई भाई 25 रुपए तो तुम्हारी सैलरी से काट लेना, 25 रुपए हमारे, अब तुम्हें हमारी सैलरी से जरा माइनस करने दो, 25 रुपए माइनस करवा लो। बोल रहे नहीं खबरदार, जो आपने मेरी सैलरी से 1 रुपया अभी माइनस किया, 8 लाख का मतलब 8 लाख, 1 पैसे की भी हेरा फेरी नहीं होगी। हमने बोला ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, चले जी। अब इस केस में कोई इशू नहीं, अब फिर दोबारा से सैलरी वर्कआउट कर लीजिए। मिस्टर ए, इसका मतलब ये 25 रुपये पर क्विटेड बन के सैलरी में क्या हो गया? ऐड हो गया। हमने कहा इनकम फ्रॉम सैलरी 8 लाख रुपए और टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर कितना? 10,525। तो आंसर बना 8,10,525। जवाब दीजिएगा, बनाइए आंसर, सही है, ऐसा ही है। अब इस पर टैक्स वर्कआउट कर लेते हैं। टैक्स ऑन रुपीज व्हाट? 600,000। कितना? निल। टैक्स ऑन रुपीज 2,10,525 एट 5% कितना? 10,526। ठीक है जी, सही है। तो अब मतलब राउंड कर लें इसको, आप 10,526 कर लो, 0.25 है ना, इग्नोर करें उसको। अब उसको बोला भाई 1 रुपया बनता है इजाफी, 1 रुपया, वो 1 रुपया तो हम तुम्हारी सैलरी से माइनस कर, बोला 1 रुपया के 1 पैसा माइनस नहीं करोगे आप। तो जो 25 के बाद 26 का 1 रुपये का इजाफा हुआ, ये भी पर क्विटेड बना के नहीं बना, क्या ख्याल है? जवाब दें। तो क्या करें बेटा, इसको भी सैलरी का पार्ट बना दे, आइए इसको भी सैलरी का पार्ट बनाइए। तो आपने कहा मिस्टर ए, इनकम फ्रॉम सैलरी 8 लाख रुपए, एड व्हाट? टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर 10,526 रुपए।
आंसर आ गया 8,10,526। इस पे टैक्स वर्कआउट किया, टैक्स ऑन रुपीज 6,00,000 रुपए, आंसर निल आ गया, और टैक्स ऑन रुपीज 2,10,526 एट व्हाट 5%, क्या आंसर आया? तो अब की बार आंसर जो है वो 10,526 ही आना चाहिए मेरे ख्याल से, चेक कर लें। जवाब दें बेटा, इसको लिखें, जरा टाइप करें, 2,10,526 का निकालें 5%, आंसर क्या है 10,526। इसका मतलब क्या हुआ, जो टैक्स पे टैक्स लगता चला जा रहा था उसका इफेक्ट क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, और ये एग्जॉस्ट कहां पर आके हुआ, 5वें राउंड पर। फर्स्ट राउंड था, सेकंड राउंड था, थर्ड राउंड था, फोर्थ राउंड था, और ये फिफ्थ राउंड में जब हमने कैलकुलेशन परफॉर्म की तो फाइनल वैल्यू बनी वो कितनी बनी, 10,520। टैक्स पे टैक्स लगता रहा और हर बार जो इजाफा हो रहा था बजट का वो पहले से कम हो रहा था, यहां तक कि वो इफेक्ट क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। 10,526 एक ग्रॉस अमाउंट है, तो अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी पर टैक्स एम्प्लॉयर ने पे करना हो और उस टैक्स के ऊपर टैक्स भी एम्प्लॉयर ने पे करना हो, मतलब जो फर्दर बेनिफिट है, तो फिर हमें एक ग्रॉस अप अमाउंट चाहिए होगा। वो ग्रॉस अप अमाउंट 10,526 है। अगर हमें 10,526 पहले ही पता होता तो हम इतनी मेहनत ना करते, हम इतने राउंड से ना गुजरते। जवाब दें, जवाब दें बेटा, रिस्पॉन्स करें। तो अब क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें हम 10,526 को पहले से ही मालूम कर पाए? कोई ऐसा तरीका जिसमें हम 10,526 को पहले ही मालूम कर पाए? तो वो तरीका क्या है, वो उस पर बात करते हैं जरा आपसे। देखिए, अब सबसे पहला काम तो करना है कि आपको ओरिजिनल सैलरी पे टैक्स वर्कआउट कर लेना है, ठीक है जी। यहां लिख रहा हूं मैं, मिस्टर ए इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है जी, ऐड कर दिया क्या, 8,00,000। अच्छा जी, 8,00,000 पे कितना टैक्स बना था बताएंगे आप? सब बताएं, 8,00,000 पे कितना टैक्स बना था सबसे पहले राउंड में? 10,000 रुपए। जो फर्स्ट राउंड में टैक्स बना 10,000 रुपए, उसे प्लेस कर दें और उसको डिवाइड कर दें कितने से, 0.95 से। अब ये 0.95 कैसे आ रहा है, एक्सप्लेन कर रहा हूं। 10,000 को डिवाइड करें 0.95 से और बताइए आंसर क्या आता है। क्या आंसर आता है? आंसर आता है 10,526। आठ लाख 10,526 ये ग्रॉस अमाउंट बन गया। जब आप 8,10,526 पे टैक्स वर्कआउट करेंगे तो वो टैक्स 10,526 ही आएगा ना बेटा, यस और नो? वो टैक्स 10,526 ही आएगा।
अच्छा अब ये सवाल है कि सर ये 0.95 क्या है, तो 0.195 क्या है, वन रखें वन फॉर्मूले का, वन में से आप टैक्स रेट माइनस कर दें, तो जरा बताइए हमारी अभी इस केस में जितनी भी वैल्यूज थी वो किस रेट से टैक्स हो रही थी, 5% से। तो वन में से जैसे मैंने 0.05 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, वन में से जैसे मैंने 0.05 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो मुझे डिफरेंस क्या मिल गया, 0.95। तो मैंने क्या कर दिया, जो मेरा इनिशियल टैक्स था उस टैक्स को मैंने इस 0.95 से डिवाइड करवा के ग्रॉस अप करवा दिया, और ग्रॉस अप करवा के मैंने वो फाइनल वैल्यू मालूम कर ली जो बिलाखिर सारे राउंड्स के जरिए आनी है, जहां पर आके मेरा टैक्स इफेक्ट क्या हो जाना है, एग्जॉस्ट हो जाना है। जब भी आपको इसको ग्रॉस अप करना हो तो आप इनिशियल जो फर्स्ट राउंड पे टैक्स आ रहा है उसको वर्कआउट कर लें, और जिस रेट से आप उस टैक्स को निकाल रहे हैं उसको वन में से माइनस करें, जो आंसर आया उसको उस टैक्स से डिवाइड करवा दें, आपको वो टैक्स ग्रॉस अप होके मिल जाएगा, और ग्रॉस अप होके मिल जाएगा तो उसमें टैक्स ऑन टैक्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, शामिल हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई है, जवाब दे कि 0.95 कैसे आया। अच्छा ये 0.95 है क्या बेटा, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, यकीन करें कि मैथमेटिक्स को जब अप्लाई करने का वक्त आता है तो हम भाग रहे होते हैं मैथ्स से, हालांकि ये आपकी पढ़ी हुई बात है, कोई नई बात नहीं है, इस चीज को आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के नाम से, इस चीज को आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा मल्टीप्लायर के नाम से, तो जो मल्टीप्लायर था वो प्रैक्टिकली जो था वो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज था, और जो ये टैक्स इसकी ग्रॉसिंग अप है ये भी बेटा प्रैक्टिकली जो है वो क्या है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज ही है। कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा उसको। देखो आपकी फर्स्ट टर्म 10,000 थी, ठीक है, नहीं थी, इस टर्म में कितने का इजाफा हुआ, 5% का इजाफा हुआ, तो आपकी नेक्स्ट टर्म 10,500 बन गई, आपने जवाब नहीं दिया बेटा, इस टर्म में इजाफा हुआ कितने से, फिर 5% से, तो आपकी नेक्स्ट टर्म क्या हो गई, 10,525 बन गई, एंड सो ऑन। तो आपको ये नहीं मालूम कि ये 5% का इजाफा कहां पे आके रुकेगा, तो फिर आपको करना क्या है, जवाब दें, ऐसा ही है ना, पता है आपको कि जो 500 का इजाफा होता चला जा रहा है ये इजाफा कहां रुकेगा, तो फिर आपको सम ऑफ द सीरीज मालूम करना है, और वो फॉर्मूला क्या था, एस एन इज इक्वल्स टू व्हाट, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ए क्या थी, फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म कितनी थी 10,000, वन फॉर्मूले का है, और हर बार इजाफा कितने से हो रहा है, 5% से, 0.05, जब 10,000 को हमने डिवाइड किया किससे, 0.95 से, तो फिर जहां पर जाके ये इफेक्ट क्या होगा, एग्जॉस्ट होगा, वो हमें इफेक्ट मिल जाना है। है ना, और ये आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 10,526। तो ये तो यकीन माने जब मैथ्स को अप्लाई करने का वक्त आता है तो हम भाग रहे होते हैं, और हमें लग रहा होता है कि अजीबोगरीब सी हम कोई चीज कर रहे हैं। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हमने क्या कर दिया, हमने डायरेक्ट वो एंड वैल्यू फाइंड कर ली जिसमें तमाम टैक्स ऑन टैक्स के इफेक्ट क्या है शामिल है। जवाब दीजिए बेटा, क्या यहां तक सबको बात समझ में आती है, रिस्पॉन्स कीजिएगा प्लीज सब लोग, कॉपी कर लिया आप लोगों ने इसको, कॉपी कर लिया आप लोगों ने इसको, चले गुड, जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा जी, नाउ अब जरा इसके टॉपिक को हम कवर करते हैं किताब से, और किताब में क्या लिखा हुआ, अब तक किताब पे तो हम आए नहीं, तो जरा हम किताब को देख लेते हैं।
अब किताब क्या कहती है, वेयर एन एम्प्लॉय एग्रीज टू पे टैक्स चार्जेबल ऑन एम्प्लॉयज सैलरी देन एम्प्लॉयज टैक्सेबल सैलरी शैल इंक्लूड ग्रॉस अप अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल बाय द एम्प्लॉई बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय. मतलब जब एम्प्लॉयर एग्री करता है एम्प्लॉय की सैलरी पर टैक्स पे करने के लिए बगैर उसकी सैलरी से टैक्स विदहोल्ड किए, तो फिर वो जो सैलरी पर टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया है वो उसके लिए टैक्सेबल परक्विजिट बन जाता है और उसका ग्रॉसअप अमाउंट सैलरी का पार्ट बनता है. ग्रॉसअप क्यों? क्योंकि उस टैक्स को ऐड करने से उस पर मजीद टैक्स लगेगा, मजीद टैक्स लगने से और टैक्स लगेगा, यहाँ तक कि एक पॉइंट आना है जहां पर आके वो इफेक्ट एग्जॉस्ट हो जाना है. तो फिर जो फाइनल वैल्यू वही क्या करें आप, सैलरी का पार्ट बनाए. अच्छा जी, क्यों बनाए? लॉजिक हम पहले ही दे चुके हैं, आप सब जानते हैं. दोबारा यहाँ पे लिखी हुई ये बात, डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट्स इंक्लूड्स, परक्विजिट की जो डेफिनेशन है उसमें क्या शामिल है, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय टू अनदर पर्सन पेड बाय द एम्प्लॉयर. यानी ऑब्लिगेशन थी एम्प्लॉय की टुवर्ड्स एनी पर्सन, मतलब थर्ड पार्टी, टैक्स डिपार्टमेंट, ये टैक्स ड्यू था एम्प्लॉय पर, पे करना था उसने किसको, टैक्स डिपार्टमेंट को, लेकिन पे किसने कर दिया, एम्प्लॉयर ने, बगैर एम्प्लॉय की सैलरी में से विदहोल्ड किए. Therefore, if an employer pays employee's tax liability in addition to normal salary से above वो tax pay कर देता है, then the tax paid or payable by the employer shall become a taxable perquisite and tax liability will increase accordingly. अगर employer employee का tax अपनी जेब से pay कर देता है बगैर उसकी salary से withhold किए, तो फिर gross up amount salary में add होगा और वो perquisite माना जाएगा और उससे आपकी सैलरी इंक्रीज जाएगी और ऑब्वियसली टैक्स लायबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. यस और नो? कि ये सब बातें आपको पहले ही कैलकुलेशन करके समझा दी गई है बेटा, और ये बातें कैलकुलेशन पहले करने के बाद अब इन लाइंस को पढ़ना आपके लिए क्या हो गया, आसान हो गया. जवाब दें, क्या ये सारी लिखी हुई लाइंस आपको समझ में आई हैं? तो जवाब दे दें मुझे आप लोग, सब लोग बेटा, सब जवाब दें, सब लोग, तमाम लोग. अच्छा जी, अब इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल 5.1 दी हुई है. कैलकुलेटर साथ में रख लें आप लोग, ठीक है, ताकि इस एग्जाम्पल को हम जल्दी कवर कर लें, फिर बाकी एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क बन जाएंगे. देखिए, बेसिक सैलरी 954,000, जवाब दें. हाउस रेंट अलाउंस 381,600. कंपनी मेंटेन्ड कार 2,78,000, ठीक है जी, फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज. मेडिकल अलाउंस कितना बना, 95,400. अच्छा जी, अब क्या करना है, सैलरी वर्कआउट कर लेनी है. जवाब दें, वर्कआउट करेंगे सैलरी वर्कआउट करेंगे, भाई रिस्पॉन्स करें ना सब लोग साथ साथ. बेसिक सैलरी कितनी ऐड कर दिया आपने, 954,000. हाउस रेंट अलाउंस कितना ऐड कर दिया, 381,600. कंपनी मेंटेन कार कितनी रखी, 135,000. कैसे, 2,700,000 का 5% परक्विजिट निकाल लिया और सैलरी में ऐड कर दिया, कोई नई बात नहीं है, सीख चुके हैं ऑलरेडी. अच्छा जी, मेडिकल अलाउंस कितना था, 95,400, जवाब दें. और मेडिकल अलाउंस जो है एग्जेम्प्ट है अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी. 954,000 का जब आपने 10% निकाला तो क्या बना, 95,400 बना. इस तरह इसका इफेक्ट जो है सैलरी में क्या हुआ, निल हो गया. और जो आपकी टोटल टैक्सेबल सैलरी है वो कितनी बनती है, 1,470,600. यस और नो, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए बेटा सब लोग, क्विक. अच्छा जी, अब आप 1,470,600 पे टैक्स वर्कआउट कीजिए. टैक्स ऑन रुपीज 1,200,000. सब लोग टैक्स वर्कआउट कीजिए, सब लोग. बारह लाख पे कितना टैक्स बनता है बताइए, बारह लाख पे कितना टैक्स बना, सब लोगों से पूछ रहा हूं भाई,
20,000 रुपए, वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। और जो 2,70,000 बन रहे हो अबव, उसको टैक्स करें 10% से, तो 2,70,000 का 10% कितना बनेगा? 27,060, 30,000 और 27,060, मतलब टैक्स 600,000 कितना, सॉरी 600,000 नहीं, टैक्स ऑन रुपीज 1,200,000 कितना, 30,000 रुपए। टैक्स ऑन रुपीज 270,600 एट 10% कितना, 27,060 रुपए। टोटल कितना हो गया, 57,060। तो अगर टैक्स एम्प्लॉई एम्प्लॉयर बेयर नहीं कर रहा तो फिर तो कुछ नहीं करना, लेकिन अगर टैक्स एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है तो फिर इसको ग्रॉसअप करना है। तो अब बताइए इसको ग्रॉसअप कितने से करें, 5% से 10% से? यहाँ टैक्स रेट किस रेट से इस्तेमाल हुआ है, 5% से इस्तेमाल हुआ है, 10% से इस्तेमाल हुआ है, आप बताइए। तो अगर मैं 1 में से 10% माइनस करूं तो कितना बचेगा, 90%। तो अगर आप 57,060 को डिवाइड कर दें 0.9 से तो बताइए क्या आंसर बनता है, सब लोग बताइए, 63,400। नाउ अब जरा सब लोग अच्छे से इसको देखिएगा बेटा, अच्छे तरीके से, जो बातें हमने ऊपर की वो आपके सामने आ गई यहां पर। ये टैक्स कैलकुलेट हो गया आपके पास, कितना, अच्छा जी, हमने कहा टैक्सेबल सैलरी एक्सक्लूडिंग टैक्स बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर 1,470,000, ठीक है जी, और 57,060 डिवाइड बाय 0.9, आंसर क्या बना, 63,400। इसको सैलरी में ऐड कर दिया तो सैलरी इंक्लूडिंग टैक्स बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर परक्विजिट वो कितनी बन गई, 1,534,000। अब करना क्या है, 1,534,000 पे टैक्स वर्कआउट करना है, तो टैक्स ऑन रुपीज 12,00,000 रुपए, 30,000 बन गया, जवाब दें, और टैक्स ऑन रुपीज 334,000 कितना बना एट 10% 33,400, और टोटल हमारा सम क्या आया, 63,400। मतलब जो ग्रॉसअप अमाउंट हमने ऊपर ऐड किया वही हमारा आंसर आया। अगर मैं ऐड करता 57,060 पर उस पर टैक्स लगता, फिर उसका टैक्स ऑन टैक्स का इफेक्ट आता, फिर उस फिर जो मदी टैक्स लगा उसको ऐड करने के बाद मैं ऐड करता तो फिर उसका टैक्स ऑन टैक्स का इफेक्ट आता, तो पता नहीं ऐसे कितने सारे राउंड लग जाते। तो फिर ये अगर मैं इस कैलकुलेशन को अलग अलग परफॉर्म करता तो फिर ये कैलकुलेशन बहुत सारे राउंड्स में कंप्लीट होती। तो हमने क्या किया, हमने ग्रॉसअप करके फाइनल वैल्यू पहले ही मालूम कर ली और क्या कर दी, सैलरी में ऐड कर दी, यस और नो, जवाब दें। तो इस तरह जो भी टैक्स ऑन टैक्स का इफेक्ट था, जो टैक्स पे टैक्स लगा, फिर जो टैक्स पे टैक्स लगा उस पे टैक्स लगा एंड सो ऑन, जो इफेक्ट था वो अल्टीमेटली हमारे पास उसमें क्या हो गया, शामिल हो गया, और डायरेक्टली हम फाइनल फिगर पे पहुंच गए, समझे बात को। तो अगर आपको यहां तक का आज का लेक्चर समझ में आया है तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि बेटा आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क में ये दो एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, 5.2 एंड 5.3, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनके आंसर्स हैं आपके सामने,
5.2 एंड 5.3, ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है बेटा, कर लेंगे सब लोग बेटा, जवाब दें, रिस्पॉन्स दे दें जल्दी से बेटा, टाइम शॉर्ट है। हो जाएगा ना इंशाल्लाह, ये आपका होमवर्क हो गया आज का। ठीक है, अच्छा पिछला कोई स्क्रीनशॉट तो नहीं चाहिए किसी को, बताइए, ये चाहिए तो बता दीजिए, मैं उस पेज पर जाता हूँ। मेरे लिखे हुए किसी बोर्ड का, बोर्ड का अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो बता दीजिए आपको मुझे। या यहां से किसी पेज का स्क्रीनशॉट चाहिए बताइए, ये ले लिया आपने होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है बेटा, ओके, तो इंशाल्लाह फर्दर बात करेंगे आपसे अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।